कांग्रेस किसान आंदोलन से अपनी खोई राजनीतिक जमीन बचाने में लगी हुई है और इसीलिए कांग्रेस के कर्ता धर्ता वायनाड के सांसद राहुल गांधी सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव दिख रहे हैं। राहुल गांधी ट्विटर के जरिए सरकार पर हमलावर हैं। अगर उनके ट्विटर अकाउंट पर नजर डाला जाए तो आपको दिखेगा कि इन दिनों राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट किसान आंदोलन के रंग में रंगा हुआ है। राहुल गांधी लगातार किसानों को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा है कि मोदी के अधीन सुधार बराबर चोरी है, इसीलिए उन्हें लोकतंत्र से छुटकारा पाने की जरूरत है। एक और ट्वीट में उन्होंने भारत बंद पर लिखा कि मोदी जी किसानों से चोरी बंद करो, सभी देशवासी जानते हैं कि आज भारत बंद है, इसका संपूर्ण समर्थन करके हमारे अन्नदाता के संघर्ष को सफल बनाएं। भारत बंद का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि देश के अन्नदाता से अत्याचार और अन्याय असहनीय है, अदानी अंबानी कृषि कानून वापस लो, अदानी अंबानी कृषि कानून रद्द करने होंगे और कुछ भी मंजूर नहीं। राहुल गांधी के एक ट्वीट से पता चला कि किसान आंदोलन में फेमिनिज्म ने भी जगह बना लिया है और फेमिनिस्ट बढ़ चढ़ कर आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। अब ऐसे में ये कहना गलत कहाँ होगा कि आंदोलन पर चढ़ा फेमिनिज्म का रंग, लेकिन उसके बाद सांसद जी ट्रोल होने लगे। ट्रोलर ने सांसद जी को ट्रोल करते हुए ट्वीट की झाड़ियां लगा दी। ट्रोलर्स ने ट्वीट करते हुए जवाब दिया कि खालिस्तानी कांग्रेस आपके लोग किसानों के लिए परमानेंट सोल्यूशन नहीं चाहते। ट्रोलर्स ने यहां तक कह दिया कि किसान बिल का विरोध कौन सी बड़ी बात है, चौंकिए मत, कांग्रेसियों ने तो राम मंदिर, धारा 370 हटने, राफेल और CAA का भी विरोध किया था। कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधियों के साथ। बहरहाल इन सब को देखकर सांसद राहुल गांधी तो अपना सिर ही पीट रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।